हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ जनरल नॉलेज जी के आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके किसी भी एग्ज़ाम में और ये जो वीडियो है हमारी जी के दिस इज़ फॉर क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एटथ ओके सो लेट्स सी कि कितनी अच्छे जीके हैं आपकी एंड कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं देर विल बी टेन क्वेश्चन ओनली दी एंड वीडियो के एंड में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स पता भी लग जाएंगे बट लेकिन किसी बच्चे ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है एक तो आप जानते हैं आपके आसपास बहुत सारे बैंक होंगे एस बी uh, आई पंजाब नेशनल बैंक पी एन बी आई डी बी आई एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें के वी की फीस सबमिट होती है लेकिन एक बैंक है जो इन सब बैंकों का भी बैंक होता है आप अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं ये बैंक अपने पैसे कहाँ जमा कराते हैं तो इंडिया का बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है आपके ऑप्शन हैं ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यू को बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर को सी पंजाब नेशनल बैंक पी को बैंकों का बैंक जो सभी बैंक्स को ऑपरेट करता है देखता है कि कैसे काम कर रहे हैं उनका पैसा भी उसके पास जमा होता है इंटरेस्ट रेट कितना होगा नॉट्स उनकी एक्टिविटीज़ को जो लुक आफ्टर करता है यूबीआई आरबीआई पीएनबी ओके आंसर आपने कर दिया होगा ये देखिए ये उसका साइन है एंड आपको हिंट यहाँ से मिली गया होगा पढ़ के अगर आपने पहले आंसर नहीं दिया था तो अब आप आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई विच वाइटमिन डेफिशंसी बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कमी से आपकी जो बोन्स हैं आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है मुड़ जाती है देखिए ऐसी हो जाती है और जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स या आपकी एक डेफिशेंसी डिजीज़ है और इस तरीके से आपकी जो बोन्स हैं हड्डियाँ हैं वो हो जाती है ओके OK? बहुत वीक हो जाती है बहुत कमज़ोर हो जाते है आपके दांत बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है आपके ऑप्शनस है विटामिन सी विटामिन डी विटामिन सी या फिर विटामिन ए ओके आंसर आपने कर दिया होगा तो देखिए मैं तीनों के बारे में आपको बता देती हूँ विटामिन ए जो है आपका ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से और विटामिन ए की कमी से होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस आपकी आइज़ जो है आंखें कमज़ोर हो जाती है अगर आप हरी सब्जियाँ नहीं खाएँगे तो क्योंकि उनमें विटामिन ए होता है ओके okay? विटामिन सी होता है आपका जो सीट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज हुआ संतरा या फिर आपका जो नींबू है लेमन इन सब में विटामिन सी होता है और इस ये इस, अगर विटामिन सी की डिफिशेंसी है आपकी बॉडी में तो आपको स्कर्वी हो जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी तो सबसे पहले तो आपको विटामिन डी के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा ये फ्रूट खाओ क्योंकि किसी भी फ्रूट में यह विटामिन डी अबेंडेंट उसमें होता नहीं है विटामिन डी अगर आपको मिलता है कहाँ से है फिर यह आपको मिलता है सनलाइट से सूरज की रोशनी से आपको विटामिन डी मिलता है अगर आप घर में ही रह रहे हैं स, सुबह आपको ज़रूर धूप में बैठना चाहिए बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे कई दिनों तक तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशेंसी कमी हो सकती है और आपको रिकेट्स हो सकता है ओके तो ये आप याद रखेंगे किससे क्या मिलता है प्लस किसके डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है किस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है ओके विटामिन डी नेक्स्ट इज़ और विटामिन uh, डी वैसे थोड़ा सा एग्स में एग यॉग जो होता है आपका और कुछ सब्जियों में मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे नहीं मिलता अगर आपको चाहिए तो बेस्ट सोर्स इसका सनलाइट ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द विच इज़ द साउथ साउदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंडिया के मैप में नीचे की तरफ यहाँ श्रीलंका है साउदर्न मोस्ट पॉइंट सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है क्या नाम है उसका जो सबसे नीचे है आपके ऑप्शन हैं ए इंदिरा पॉइंट बी नेहरू पॉइंट सी गांधी पॉइंट सदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का इंदिरा नेहरू गांधी ओके आंसर आपने कर दिया होगा दिखा देती हूँ देखिए ये है आपका कन्याकुमारी में सबसे नीचे ओके आंसर चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी आप सिर्फ इसको पिक्चर को देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है आपके ऑप्शन हैं ए केरला बी उत्तराखंड सी उत्तर प्रदेश उत्तर ये तो आपको पता होगा कि शुगर जो है शुगर केन से बनती है गन्ने से बनती है कहने का मतलब है जहाँ बहुत ज़्यादा गन्ना होता होगा जिस राज्य में जिस स्टेट में उसी को ही शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता होगा और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है यहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा तो कहाँ पर होता है केरला में उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में ओके okay, आंसर कर दो एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं आपको शुगर बाउल ऑफ इंडिया का आंसर तो आपको लास्ट में मिल ही जाएगा केरला जो है आपका इस ये स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है या इसे मसालों का वो मसालों का राज्य कहा जाता है ठीक है तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एल बी डब्ल्यू इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट एल बी डब्ल्यू किस स्पोर्ट uh, से गेम से रिलेटेड है आपके ऑप्शन है फ़ुटबॉल फुटबॉल में एल बी डब्ल्यू होता है क्रिकेट क्रिकेट में होता है या फिर गोल्फ में होता है ये आप सभी को पता होगा प्लस पिक्चर जो दे दी है उससे काफ़ी क्लियर हो गया होगा फुटबॉल क्रिकेट गोल्फ एल बी डब्ल्यू के स्पोर्ट्स रिलेटेड एल बी डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है लेग बिफोर विकेट अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल आती है और आप विकेट के आगे पैर है आपका कि बाई चांस अगर पैर ना होता तो बॉल सीधा विकेट पर लगती बैट पर नहीं लगती है बॉल और पैर पर लग जाती है तो वो आउट माना जाता है और उसका रीज़न होता है एल बी डब्ल्यू नेक्स्ट इज स्लोगन जय जवान जय किसान हमारी कंट्री uh, की डेवलपमेंट में दोनों का ही uh, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जवान जो आपके uh, रक्षा करते हैं सिक्योरिटी देते हैं नेशन को बॉर्डर के ऊपर और किसान जो कि पूरी कंट्री को फूड uh, प्रोवाइड कराते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी बी लाल बहादुर शास्त्री सी भगत सिंह हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री भगत सिंह और इन तीनों का वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या नारे दिए हैं महात्मा गांधी के तो आपने बहुत सारे सुने होंगे जय जवान जय किसान आपको पता होगा भगत सिंह ने क्या नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद ओके तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नाइनटीन ओके ओके ये तो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है सेकेंड अक्टूबर को आप महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और आपको पता होगा उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे भी होता है ओके okay, तो सेकंड अक्टूबर नाइनटीन टू इलेवन जनवरी नाइनटीन नाइन तक uh, ये इनका लाइफ स्पैन था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन आई पी एस ऑफिसर ऑफ इंडिया पहली वुमेन आई पी एस आई पी एस इंडियन पुलिस सर्विसेज जैसे आई ए एस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऐसे पहली आई पी एस ऑफिसर कौन थी वुमेन इंडिया की आपके ऑप्शन हैं कल्पना चावला किरण बेदी इंदिरा गांधी ये तीनों ही वुमेन जो है किसी फील्ड में फर्स्ट रही हैं तो आपको बताना है इनमें से पहली आईपीएस ऑफिसर कौन थी कल्पना चावला किरण बेदी या फिर इंदिरा गांधी ओके आंसर आपने कर दो कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट वुमेन थी किरण बेदी आपको पता होगा पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी और इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम, प्राइम आ, मिनिस्टर थी इंडिया की देखिए ये हैं, इन, आ, Next question है किरण बेदी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नेक दुनिया का सबसे लंबा सांप लॉन्गेस्ट स्नेक कौन सा है आपके ऑप्शन हैं ए ग्रीन एनाकोंडा बी ब्लैक कोबरा सी ब्राउन एनाकोंडा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट स्नेक सबसे लंबा सांप ग्रीन एनाकोंडा ब्लैक कोबरा या फिर ब्राउन एनाकोंडा मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी आंसर आपको वीडियो के एंड में ही पता लगेंगे तो इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए ये है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक सबसे लंबा सांप और आई थिंक कलर इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है तो कलर से भी आप बता सकते हैं कि जो आपको ऑप्शन दिए थे उनमें से क्या आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एनिमल इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे भारी जानवर कौन सा है आपके ऑप्शन इन द वर्ल्ड इज एलिफेंट हिप्पो या फिर ब्लू वेल ओके तो अगर आपसे वैसे पूछा जाता लैंड एनिमल या फिर कुछ इसने स्पेसिफाई नहीं किया सिर्फ एनिमल को पूछा तो ये है बिगेस्ट भी सबसे बड़ी एनिमल वर्ल्ड की और वैसे सबसे हेवीस्ट भी एलिफेंट की अगर आप बात करें लैंड पे एलिफेंट सबसे हेवियस्ट एनिमल है बिगेस्ट एनिमल है और ऐसा कहा जाता है कि लगभग लग सौ हाथियों जितना वेट होता है एक ब्लू वेल में तो काफ़ी ज़्यादा वे जो बड़ी है आपकी जो ब्लू वेल है एलिफेंट से ओके तो अगर बिगेस्ट एनिमल पूछे ऑन अर्थ तो ब्लू वेल होगी बिगेस्ट एनिमल पूछेगा ऑन लैंड लैंड एनिमल में तो फिर एलिफेंट होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम इज ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे पहले कौन सा सबसे पुराना गेम कौन सा है जो सबसे पहले खेला जाता था सबसे पहले जो गेम शुरू हुआ वो स्विमिंग था आर्चरी था या फिर हॉकी तैराक जिसको आप बोलते हैं तैरना आर्चरी तीरंदाजी या फिर हॉकी हॉकी आपको पता होगा इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है और आर्चरी भूटान का नेशनल स्पोर्ट है भूटान हमारी कैपिटल uh, थिंपू हमारी uh, एक नेबरिंग कंट्री है ओके आंसर आपने कर देगा पिक्चर में दिखा देती ये है जो कि सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट माना जाता है सबसे पुराना गेम यही था आपने रामायण महाभारत सुनी होगी तो उसमें भी तीर चलाने के बारे में बताया हुआ है खैर वो तो वैसे सीखते थे लेकिन ये एज स्पोर्ट भी बाद में आ गया था ओके okay, तो अब मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ सभी क्वेश्चन के जहाँ पर भी आपने आंसर्स नोट किए क्रॉस चेक कर लीजिए कितने आंसर्स करेक्ट है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ सी फिफ्थ बी सिक्स बी सेवेंथ बी एट ए नाइन्थ सी टेंथ बी ओके तो ये आपके सारे आंसर्स है जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कॉमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ बता देंगे एंड इफ़ यू थिंक यू लर्न समथिंग न्यू तो वीडियो को लाइक कर दीजिए डैट्स ऑल्व थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग